वर्ल्ड की हॉट गॉसिप लेकर TNTV इज राइट हियर। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक यानी करण मेहरा बिग बॉस में भले ही हाईली पेड एक्टर हैं, लेकिन कॉमन मैन कंटेस्टेंट स्वामी ओम जी ने उनसे जब आधी रात को जबरदस्ती खाना बनवाने के लिए कहा तो नैतिक अनैतिकता के खिलाफ खड़े हो गए। अरे तो खाने देती ना, तो क्या बोलने की जरूरत थी उनको आपको कि इन्होंने क्या बोला या क्या नहीं, उसका क्या मतलब है? मैं अपने रूप पे आ जाऊंगा का क्या मतलब है? करण मेहरा ही नहीं, बिग बॉस में रोहन मेहरा की भी हालत खराब है। उन्हें जब प्रियंका ने गठरी भर कपड़े धोने के लिए धमकाया, और मनोज पंजाबी के साथ उनका ड्रामा भी देखने लायक था। इसके बाद अगर एक बार हमने और आपने बोला ना, बिग बॉस कंटेस्टेंट सोफिया हयात यानी गेया मदर, जो हाल ही में खुद को सन्यासी डिक्लेयर कर चुकी थी, खुद को नन बता रही हैं, अचानक फिर से अपने एक पुराने अंदाज में नजर आई। असल में ये किसी की बर्थडे पार्टी में जा रही हैं। आप खुद डिसाइड कर लो ये नन है या वही पुरानी मॉडल जो अपने हॉट एंड सेक्सी अवतार के लिए मशहूर है। A beautiful dress like this. नागार्जुना के नाग वॉरियर अर्जुन यानी पर्ल वी पुरी अपना रोल काफी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनके लुक के लिए उन्हें थिक ग्रीन कलर्ड लेंसेज वेयर करने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी आंखों की विजिबिलिटी पर काफी असर पड़ रहा है और डॉक्टर ने उन्हें ये लेंस ब्रेक ले लेकर लगाने की एडवाइस दी है। अनीता हसनंदानी के हस्बैंड उन्हें वर्कआउट में काफी मदद करते हैं, तो अनीता अपने हस्बैंड रोहित को रोमांस को फिल्मी अंदाज में करने के लिए मदद करती हैं। ये है मोहब्बतें की शगुन, चाहे जैसी हो लेकिन ये शगुन तो बहुत रोमांटिक हैं। शरद मल्होत्रा, जो कि जल्दी बॉलीवुड में अपना डेब्यू हॉरर फिल्म 1137 से करने वाले हैं, उन्होंने सच में एक्सपीरियंस की कुछ सुपरनैचुरल एक्टिविटी। जी हाँ, फिल्म के शूट के दौरान शरद के साथ हुआ एक हादसा। अब क्या था वो, चलिए खुद शरद से ही सुनते हैं। बैकअप कुछ 1:30 बजे के आसपास हुआ था, तो जब मैं कॉरिडोर, बहुत लंबा कॉरिडोर था मेरे रूम तक, तो वन एंड टू द अदर एंड बहुत लंबा एक कॉरिडोर था, तो आई थिंक कुछ सबका बैकअप हो गया था, मैं जा रहा था। तो जब मैं जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे भी कोई चल रहा था, क्योंकि होता है अक्सर कि आप जब चलते हैं ना तो फुटस्टेप्स की आवाज़ें आती हैं। तो मुझे याद है मैंने जो जूते पहने हुए थे वो फ्लैट सोल के थे, और जो मुझे आवाज़ आई थी वो हील्स की आवाज़ आ रही थी। तो तब मुझे लगा कि यार, तो मैं रुका भी एक बार, फिर मैं पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, तो मुझे लगा शायद भ्रम हो सकता है। फिर थोड़ा आगे गया, फिर आवाज़ आई, फिर हील्स की आवाज़ आई, फिर मैं रुका, मैंने आसपास देखा कोई नहीं था, मैंने टाइम देखा 1:45 बजे थे, फिर तीसरी बार मैं रुका नहीं, मैं भाग गया सीधा। मोनी रॉय नागिन और सती बनने के बाद अब बनेगी सीता माता। जी हाँ, मोनी इज डबिंग फॉर सीता फॉर एन अपकमिंग सीरीज, और इनके डबिंग सेशंस के पिक्चर्स खुद मोनी ने सोशल मीडिया पे शेयर की। धन्य हो माते। कुशाल टंडन की और उनके शो बेहद की बेहद तारीफ कर रही हैं कुशाल की एक्स गर्लफ्रेंड गौहर खान। गौहर का मानना है कि ये रोल कुशाल को परफेक्टली सूट करता है और उन्हें शो से बड़ी उम्मीदें हैं। वेल गौहर, आपकी ये तारीफ फिर वही बुझी हुई आग को हवा दे रही है। अली गोनी अब बहू हमारी रजनीकांत सीरियल में नजर आएंगे। अरे नहीं, उन्होंने ये है मोहब्बतें नहीं छोड़ा है, बस वो इस शो में कैमियो कर रहे हैं और खुद को रजनी के हस्बैंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करेंगे। माय तो ड्रामा सिया के राम सीरियल को रिप्लेस करने जा रहा है दृष्टि दामी और अर्जुन बिजलानी का नया शो परदेश में है मेरा दिल, और सिया के राम शो इसके साथ एंड हो जाएगा। TNTV विल बी बैक विद द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन।